हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुकेश एंड आज के ब्लॉग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मेरी दीदी का बर्थडे है यानी कि 30 अगस्त, और आज है 29 अगस्त, और मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगा केक लेने, इसलिए मैं रेडी हो गया हूँ और बहुत अजीब से कपड़े मैंने पहने हैं। और क्या होता है कि ये जो मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, बड़े होने के साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना भी बंद हो जाता है। बचपन में थोड़ा बहुत होता है, फिर टीन एज में दोस्तों के साथ में, और फिर बंद हो जाता है लगभग। तो पहले क्या होता था, कुछ एक दो साल पहले केक लाना ही एक सरप्राइजिंग चीज हो जाता था, अभी ये कॉमन है। तो मैंने उस दीदी को कॉल करके बोला कि तू केक मत ला, मैं लाऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने दीदी को ही बोला था। एग्जाम चल रहा था, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं सोच रहा था, लगभग एक हफ्ते से ज्यादा पहले ही मैं सोच रहा था कि कुछ सरप्राइजिंग उसको देना चाहिए। और राखी भी है, कल राखी पूर्णिमा है और नेक्स्ट डे राखी बंधन है, तो मैंने सोचा साथ में हो जाएगा कुछ। मम्मी जा रही थी पीछे, तो मैंने सोचा कि उसको सरप्राइज दिया जाए। तो केक के बारे में तो उसको पता है, लेकिन सरप्राइज के बारे में उसको पता नहीं है, मम्मी को पता है बस, और मेरे कुछ दोस्तों को पता है। मैंने बेड के नीचे उसको छुपा के रखा है, उसके लिए मैंने उसका एक ड्रॉइंग बनाया था, उसका एक पोर्ट्रेट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये भारी है और ये है, उसके लिए मैंने पोर्ट्रेट बनाया है, और इसको मैंने आज सिलीगुड़ी से फ्रेमिंग करवा के लाया। और हाँ, तो इसको मुझे छिपाना है अभी, तो इसको मैं छिपा देता हूँ। आई डोंट वॉन्ट कि उसको कहीं से भी किसी भी जगह से पता चल जाए। ये पेन मैंने खुद सिला है, पता है। तो मैं नहीं चाहता कि उसको किसी भी जगह से पता चल जाए कि उसके लिए मैंने ये बनाया है, और मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैंने अपने हेयर को टाई कर लिया है, और ऑब्वियसली मैं ऐसे नहीं जाने वाला बाहर, ये बस मैंने ऐसे लगाया है। और जो फैक्ट है वो है कि ये मेरा नहीं है, ये मैंने अपने फ्रेंड से उधार लाया है, मुझे भी ऐसा खरीदना है। पर आप लोग बताइएगा कि ये मेरे में कितना सूट कर रहा है, आई गेस अच्छा लग रहा है। मैं घर से निकल के बिल्कुल ये भूल गया था कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैं आ गया हूँ केक शॉप में केक खरीदने, और चलिए देखते हैं कि कौन सा केक लिया जाए। कौन सा चाहिए आपको? छोटा केक है कोई? ये वाला ना, इधर ऊपर ये पाइनएप्पल वाला पैक कर दीजिए। थैंक यू। ये काम हो गया, चलो अभी घर चलते हैं। गाइस, मैंने अभी फुचका खाया, और वो भी 20 रुपए का, और इतना तीखा था कि अभी मेरे पसीने छूट रहे हैं। ये मैंने बर्थडे केक लाया है, इसका बर्थडे है कल है। सो, दीदी का केक आ गया है, रात के 12:46 हो गया है, 12 बज के क्रॉस हो गया है। एक्चुअली मैं सो गया था। तो ये है केक, और इसको यहाँ पे डाल के काटी थी, सॉरी कोई नहीं, तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है इसलिए। तो इसको यहाँ पे रख दिए, कहाँ पे काटी, ऐसे कोई कौन काटता है, फिर इसको पूरा जाएगा तो गिर जाएगा तेरे हाथ से। अच्छा, निकाल देते हैं, अभी वो केक काटेगी। अभी वो बड़ी हो गई है ना, इसलिए कुछ भी उसके लिए सरप्राइजिंग नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई नहीं हम लोग के साथ, खावा हम क्या गया, हाँ दे, हाँ अभी मैं इसको खिलाऊंगा।
कहता पता नहीं कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को, यही वीडियो करते करते एक बार कांड हो गया था मेरे फोन के साथ में। अभी मेरे बर्थडे के टाइम पे और उसी के बर्थडे के टाइम पे, हाँ आई गेस दिख रहा होगा आपको। तो केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी है अभी, हाँ सारे केक बहुत टेस्टी मिलता है। और इसी बर्थडे के मौके पे मैं उसको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, हाँ, बर्थडे और राखी बंधन साथ में उसको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये है उसका गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। ये है उसका गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। दिस माय बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर। क्या मगर ढुकल मैंने माँ तो जाने सुंदर। यू आर लिसनिंग आवर कॉन्वर्सेशन, दिस द बेस्ट 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 बर्थडे गिफ्ट एवर। तो ये थैंक यू, ये सो आज का ब्लॉग यही तक, मिलते हैं हम कल बाद में नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए जल्दी जल्दी।